गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर से निकल चुके हैं, 10 बजे हम घर से निकले थे, अभी 11 बज गए हैं और हम ऑन द वे हैं। हमें सबसे पहले धौलकुआ जाना है, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा हमें धौलकुआ जाना है और अपने जो हमारे फोटोग्राफर हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको पिक करना है। तो धौलकुआ में माने से मैं पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अगर ट्रैफिक नहीं मिलता तो। अच्छा, अभी क्योंकि बहुत रश है, ट्रैफिक है, इसलिए हम बहुत लेट भी हो रहे हैं। पहले से भी लेट निकले थे और लेट भी हम चल रहे हैं, तो 10 मिनट और लगेंगे हमें धौलकुआ पहुंचने में। एक बार वो आ जाते हैं फिर हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं उनसे मिल करके। तो ये आ गए हैं हमारे फोटोग्राफर पारस, दूर से हाथ दिखाते हुए। आइए पारस। जो कि एकदम टाइम पे हमेशा रहते हैं, टाइम पे हमें मिल गए, हमें भी वेट नहीं करना पड़ा और हम लोग पहुंच चुके हैं धौलकुआ और यहाँ से हम निकल रहे हैं। पारस का फेवरेट गाना है और पारस पूरा पीछे पक रहे हैं कि कौन सा गाना लगा दिया है। मानेसर क्रॉस कर गए हैं, रोड पर हैं। हम मानेसर क्रॉस कर गए हैं और टाइम क्या हो रहा है? टाइम भाई 12 बजे जा रहा है, 12 होगा, 12 बज रहा है और एक्सपेक्टेड टाइम है कि हम 2-2.5 बजे तक पहुंचेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम?
में देखी है, अभी हाल फिलहाल में देखी है, मेरे ख्याल से पहले देखी नहीं थी। अच्छा, अच्छी मूवी है ना ये? बाजी का अल्टीमेट मूवी थी। हाँ। मैं क्लास 1 में या क्लास 2 में था। अच्छा, तभी मैं भागलपुर में जनता हॉल में लगा हुआ था। तो हमारे उस वक्त हमारे देखना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मैंने हाल फिलहाल में देखी है। साथ देखना पॉसिबल, देखना भी नहीं था हमारे साथ, देखना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारा पिक्चर देखना भी पॉसिबल नहीं था। मुझे याद है मैंने पहली पिक्चर थिएटर में जो देखी है वो है सोल्जर मूवी, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा के की मूवी थी। और हम लोग कटिहार से, जहाँ मेरा घर है कटिहार से हूँ मैं, तो वहाँ पे एक है बसंत टॉकीज, उसमें पापा मम्मी के साथ गए थे, पापा मम्मी मेरी बहन भी थी, भाई थे, हम लोग सब गए हुए थे देखने के लिए। सोल्जर मूवी थी, उसमें छोटे में पापा मम्मी के गोद पे रिक्शा में बैठ कर के गई हुई थी। पहली मूवी तुमने पहली मूवी कौन सी देखी? मुझे फर्स्ट मूवी जो मेरे याद है वो मैंने गदर बहुत देखी अच्छे से देखी है। अच्छा, पारस यहाँ पीछे से बोल रहे हैं इन्होंने गदर देखी पहली मूवी। मतलब स्नेहल से तो मैं जरूर पुराना, क्योंकि मुझे उसके पहले की 2-3 मूवीज याद है जो कि मैंने हॉल में देखी है। एक खलनायक, हाँ खलनायक देखी है, खलनायक हॉल में देखी है, विप्रभा में, विप्रभा में नहीं, खलनायक। उस समय भागलपुर में एक हॉल था शारदा हॉल। अच्छा, तो खलनायक हम लोग गए थे, मेरी मौसी के घर के एकदम पास में था, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मौसी लोग पहले से टिकट बोल के बुक करा देती थी और फिर हम लोग गए थे। उस टाइम पे बहुत ही सुपर हिट मूवी हुई थी खलनायक। खलनायक बहुत पुरानी मूवी है, मुझे लगता है उसके पहले भी कोई कोई मूवीज है तो मुझे याद है। हम आपके हैं कौन उसके बाद आई है ना? नहीं नहीं, हम आपके हैं कौन तो मैंने देखी है यार, 95-96 की होगी। अच्छा, मोर और लेस इसी टाइम पर। चुके हैं और कहाँ पहुँचे हैं मानस? अब हम लोग आ गए हैं जयपुर। हम लोग आ गए हैं जयपुर। मानस के पेट में बड़े देर से दर्द हो रहा था, क्यों नहीं बता रही उसने, क्यों नहीं बता रही हो? तो हम जयपुर आ गए हैं और जो हमारा स्टे है वो यहाँ से 5 मिनट दूर है, तो बस वहीं हम पहुँचने वाले हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और पहले तो खाएंगे, कुछ खाए नहीं है, पारस भी परेशान है, वो भी कुछ खाए नहीं है, हालत ख़राब है भूख के मारे उनकी, ज्यादा ही हालत खराब है। तो बस हम लोग पहुँच करके पहले खाएंगे, फिर देखते हैं क्या आज का सीन है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल में, डोरा पैलेस जयपुर। चलिए हमारे साथ। हम लोग सुंदर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बिलिंग करा रहा है। ये है सबसे पहले जो हम आने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं, ये हमारा इनपुट, अभी यहीं पर हम आएंगे खाने के लिए। और ये मेरा फेवरेट फ्लैट यहाँ आने वाला है, कहते हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट मेरे साथ साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। अच्छा, फॉरेस्ट है यहाँ खाने के लिए। अभी आएंगे यहाँ पे खाने के लिए, देखते हैं क्या सेटअप है। अच्छा, जयपुरी राजस्थानी खाने खाएंगे। चलिए बाकी रूम जाएंगे तो फिर आपको रूम दिखाऊंगे। चलो बाय बाय। तो हम लोग को बहुत भूख लग रही थी तो पहले हम खाना खाने के लिए आ गए। नहीं, ये श्री गो के लिए हमने ऑर्डर किया है। श्री गो ग्रुप है इसका, वहाँ पर भी है ना श्री गो का। और ये रहा मानस, ये रहा कहाँ है, हेलो, और ये रहा हमारा खाना, और ये भैया हमारा खाना सर्व कर रहे हैं। तो बस अब हम खाना स्टार्ट करेंगे, चिकन करी है। तो क्विकली मैं आपको अपना छोटा सा रूम दिखा दूँ। ये है हमारा रूम और ये मानस अपना थोड़ा सामान वहाँ निकाल रहा है। ये हमारा बेड, मैंने अपना पर्स यहाँ ला के रख दिया है। आपको बाथरूम दिखा दूँ, बाथरूम बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। ये रहा वॉशरूम। हमारा खाना पीना हो गया है। हमने आज सोचा था कि हम हवा महल का जो शूट लोकेशन है फोटो शूट का वो यूज़ करेंगे पूरा बैकग्राउंड वाला, लेकिन अभी खाते खाते हमको 4:30 ऑलरेडी हो गए हैं, तो अब रेडी होंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे वहाँ के लिए, तो इवनिंग हो जाएगा। तो इवनिंग में फिर फोटोग्राफी का कोई फ़ायदा नहीं है,
तो वो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। और तब तक मैं सोच रही हूँ, जब आज का दिन उतना हमारे लिए मतलब प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, तो हम ये कर लेते हैं कि हमें कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी, तो वो कम से कम कवर कर लेते हैं। उसका दिन और रात से कोई लेना देना नहीं, सनलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो इवनिंग में भी इसके लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे है बापू मार्केट, वहाँ पे मैं जाने का सोच रही थी जंग ज्वेलरी के लिए, और कुछ भी राजस्थानी जो कपड़े होते हैं, चप्पल होते हैं, ये सब देखने के लिए। तो वहाँ पे अब चलूँगी। और मानस, क्या मानस शूज पहन रहे हो? अच्छा, शूज खोल रहे हो। तो बस वो जो है आपको दिखाएंगे, मार्केटिंग का वीडियो जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जयपुर ब्लॉग में बने रहिए। अब आपको मिलूंगी मैं मार्केटिंग वाले ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।